अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है नाउ किड्स, टुडे और बुक किस किंगडम मैथ। आज जो हमारी बुक है ये किंगडम मैथ की है फॉर प्रेप क्लास। ये प्रेप क्लास की बुक है। नाउ ऑन पेज नंबर 63, पेज नंबर 63 पर लेट्स डू इट। हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। नाउ इन फर्स्ट ट्रेस कलर एंड राइट द नंबर्स ऑफ गिवन शेप्स। यहाँ पर हमने क्या करना है, इन शेप्स को हमने ट्रेस करना है, देन हमने राइट करने हैं और फिर हमने कलर भी करने हैं इन शेप्स में। सो लेट्स स्टार्ट अवर वर्क। नाउ इन फर्स्ट दिस इज ट्राइंगल शेप। ट्राइंगल शेप हैज थ्री कॉर्नर एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की स्पेलिंग क्या है, मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल की स्पेलिंग भी याद करने हैं। सो चले हम ट्राइंगल की स्पेलिंग बोल के लिखते हैं। टी आर I A N G L E, triangle. Now next, this is square shape. So square has four corner and four sides. So this is a square shape. So square shape spelling क्या है? S Q U A R E, square. Now the next is oval. So oval shape has no corner or no sides. This shape look like a egg. So oval shape, O V A L, oval. Now the next is रेक्टेंगल, बिकॉज रेक्टेंगल की दो जो लाइन्स है वो बड़ी हैं और दो लाइन्स इक्वल छोटी हैं। सो दिस इज अ रेक्टेंगल शेप। आर ई सी टी ए एन जी एल ई, रेक्टेंगल। नाउ द लास्ट इज सर्कल। सर्कल शेप हैज नो कॉर्नर और नो साइड्स। सर्कल, सी आई आर सी एल ई, सर्कल। सो चले अब हम कलर्स करेंगे इनमें। नाउ इन फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल शेप एंड ट्राइंगल शेप हैज फोर कॉर्नर एंड फोर sides. Now triangle has three corner and three sides. Now the next is square. So square shape has four sides and four corner. This is square. Now next, this is oval shape. Oval shape has no corner or no sides. Now next, rectangle. Rectangle के भी तीन कोने और तीन साइड्स हैं, बट ये इसके दो साइड्स दूसरी दो साइडों से ऑपोजिट हैं, मुख्तलिफ हैं। नाउ नेक्स्ट, दिस इज सर्कल शेप। Circle shape has no corner or no sides. So kids, page number 63 पर पहला वर्क कंप्लीट हुआ। Now the second work is count and write the numbers of the given shape. हमने क्या करना है, यहाँ पर काउंट करना है
और राइट करना है क्या गिवन शेप्स को, ऑल्सो कलर द शेप्स इन इंडिकेटेड. अब यहाँ पर जो शेप्स में जिनमें कलर्स किए हैं, अब इस जगह पर जो यहाँ पर हमें जो शेप दी है, हमने इनमें भी यही वाले कलर्स को करना है. सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्क को. नाउ इन फर्स्ट हमारे पास सबसे पहली जो शेप है वो है ट्रायंगल. सो ट्रायंगल में हमने कौन सा कलर करना है, रेड. सो रेक्टेंगल के मैंने क्या किया, ट्रायंगल के लिए मैंने रेड कलर को लिया. और अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल जहाँ जहाँ हमें मिले हम वहाँ पर रेड कलर को करेंगे. जैसे यहाँ पर ट्रायंगल था मैंने रेड कलर को किया, यहाँ पर ट्रायंगल था ये देखे मैंने रेड कलर को किया, यहाँ पर ट्रायंगल है. और अगर मैं देखूँ तो ये हाउस के ऊपर जो है वो ट्रायंगल बना हुआ है. सो यहाँ पर भी क्या करूँगी मैं, रेड कलर करूँगी. सो नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो ये देखे ये रहे ट्रायंगल, यहाँ पर ये हैं ट्रायंगल. साथ साथ आप पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा कि अच्छे तरीके से ये याद हो जाएंगे. और अगर मैं यहाँ पर नीचे देखूँ तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो ये है. तो ट्रायंगल यहाँ पर भी मैं ट्रायंगल में कलर करूँगी. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो ब्राउन कलर है. किसमें, स्क्वायर में. सो स्क्वायर में हम क्या करेंगे, ब्राउन कलर. स्क्वायर अगर हम देखें तो स्क्वायर सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. जैसे ये स्क्वायर है अंदर, तो यहाँ पर अंदर स्क्वायर है. तो साइड पे हम कलर नहीं करेंगे बिकॉज साइड पे जो शेप है ये रेक्टेंगल की शेप है. साइड से कलर जो है वो रेस किया, मिड में हमने स्क्वायर में कलर करना है. सो एक यहाँ पर ये रहा स्क्वायर, देन ये रहा स्क्वायर, नेक्स्ट में ये है स्क्वायर. और यहाँ पर ये स्क्वायर है, देन नेक्स्ट ये स्क्वायर है. ये भी जो हर्ट है, जो हाउस है, ये एक जो है वो स्क्वायर शेप में बना हुआ है. सो यहाँ पर भी हमने इसमें कलर कर दिया. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेरे पास येलो. येलो मैंने करना है सर्कल में. सो यहाँ पर इन फर्स्ट ये रहा मेरे पास येलो कलर, एंड ये है मेरे पास येलो कलर में सर्कल, क्योंकि सर्कल में मैंने येलो कलर करना है. ये है सर्कल, देन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट. और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये सर्कल है, सो मैंने इसमें कलर किया. देन ये सर्कल है, सो मैंने क्या किया, मैंने सर्कल में कलर किया. देन नेक्स्ट ब्लू मैंने किस में करना है, मैंने करना है ओवल में. सो अगर मैं देखूँ तो ये ओवल है इसके फेस में, देन यहाँ पर ये मेरे पास ओवल शेप है, ये मेरे पास ओवल शेप है. ये मेरे पास ओवल शेप है. सो यहाँ पर मेरे पास ये ओवल शेप है. देन नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ग्रीन कलर में, मैंने किसमें ग्रीन कलर करना है, रेक्टेंगल में. सो ग्रीन कलर करेंगे रेक्टेंगल में. जैसे इस हर्ट का जो डोर है ये रेक्टेंगल है, सो इसमें हमने क्या किया, कलर किया. एंड ये जो लाइंस हैं जिसके अंदर मैंने ब्राउन कलर किया है, ये भी रेक्टेंगल शेप है, इसलिए मैंने इसमें भी कलर किया. तो यहाँ पर भी रेक्टेंगल में मैंने ग्रीन कलर किया. सो किड्स, हमने पेज नंबर 63 पर अपने वर्क को कंप्लीट किया. एक्टिविटी में हमने कलर्स किए और शेप्स की हमने ट्रेसिंग की. देन हमने क्या किया, हमने उनके नाम भी लिखे. सो आपने भी इसी तरह कलर करने हैं, नाम लिखने हैं, और इन कलर शेप्स को जो है वो उनके नाम उनको भी याद रखना है. सो किड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।